परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं क्योंकि परमेश्वर अनुग्रहकारी। अनुग्रह कैसे करता है? हाँ, आपको मालूम है मसीहत में एक संदेश बहुत सालों से 2000 से ऊपर वर्ष हो गए 24, आज मसीहत में यह सच्चाई नहीं मालूम। इसको नहीं मानते, बीमार होते कहते दुआ करो। आपको मालूम है, बाइबल पढ़ के देख लीजिए। मैंने पूरी बाइबल का जब संदेश देखा, सार पाया कि दुआ करने में एक इजरायली लोग हम लोगों से आते हैं, उनकी धार्मिकता को हम कभी हरा नहीं पाएंगे, और वो हर बात में प्रार्थना करते थे लेकिन परमेश्वर उनसे नाराज था। पुराना नियम, पुरानी वाचा में परमेश्वर बार बार कह रहा है, तुम कितनी भी प्रार्थना करो मैं तुम्हारी सुनूंगा। क्यों नाराज था? पश्चाताप नहीं करते थे, ये नहीं मानते थे कि हम पाप कर रहे हैं, ये नहीं मानते थे। वो अपने आप को धर्मी मानते थे और प्रार्थना करते थे, कहते प्रभु चंगा कर, प्रभु चंगा कर दे, नहीं किया, नहीं किया। आज वही गलती मसीही लोग कर रहे हैं। हम यहूदियों से कम थोड़ी ना, यहूदी अपने आप को धर्मी मानते, हम भी अपने आप को धर्मी मानते, दोनों में सिमिलैरिटीज है ना। पुराना नियम और नया नियम, इसीलिए पौलुस ने लिखा, पौलुस पक्का फरीसी था यहूदी, और उसको जब प्रभु यीशु मसीह ने प्रकाशन से ये बता दिया कि जो तुम धार्मिकता अपनी लेकर चल रहे हो ना, जो यहूदी लोग लेकर चल रहे हैं, इन्हें बताओ ये गलत है, ये बताओ गलत है, और उसने पत्रियां लिखी। आज कौन लोग पत्रियों को समझते हैं? सब एक दूसरे को पुराने नियम से वर्सेस भेजते हैं। मैंने उस पर देखा है व्हाट्सएप वगैरह पे, प्रभु तुम्हें आशीष देगा तुम उसकी आराधना करो, ये कहा लिखा पुराने नियम में, पुराने नियम में, पुराने नियम। अब ये बताइए, आप यीशु मसीह का नाम ले रहे हैं, आप नए नियम में, नई वाचा में आते हैं, आप कलीसिया में जाते हैं, और आप लोगों को ये, आप ये विश्वास करते हैं कि हम आराधना करेंगे तो हमें आशीष देगा? नहीं देगा, नहीं देगा, पुरानी वाचा खत्म हो गई। उसमें अगर गलती ना होती तो नई वाचा क्यों, यीशु मसीह की मृत्यु क्यों होती? अगर आराधना करने से आशीष मिल जाती तो यीशु मसीह की मृत्यु व्यर्थ? हाँ, क्यों ये व्यर्थ? आप इसको अगर ये मान रहे कि मैं धर्म हूं, मैं तो कलीसिया में जाता हूं, मैं दशमांश देता हूं और मैं आराधना करता हूं, मुझे आशीष देगा? नहीं देगा। आप परमेश्वर से जबरदस्ती नहीं कर सकते, आप परमेश्वर से जिद नहीं कर सकते। हम लोगों ने पिछले हफ्ते यही अध्ययन किया, पूरा यही बताया है, उनकी मर्जी जानो और उनकी मर्जी परमेश्वर के वचन में है। परमेश्वर की मर्जी नए नियम में क्या है, ये सब एक पद निकाले। लुका रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय और उसका 3 पद पढ़े। लुका रचित सुसमाचार 13 अध्याय और उसका 3 पद है, 13 का 3, लुका 13 का 3। मैं तुमसे कहता हूं कि नहीं, इससे ऊपर पढ़िए, 12वां पद पढ़िए, 12 पद, अरे उसी का 12, 13 से ऊपर। उसी समय कुछ लोग आ पहुंचे और उससे, यानी यीशु मसीह से, उन गलीलियों की चर्चा करके कहने लगे, जिनका लहू पिलातुस ने उन्हीं के बलिदानों के साथ मिलाया था, ये सुन। उसने यीशु मसीह ने उनसे उत्तर में ये कहा, क्या तुम समझते हो कि ये गलीले और गलीलियों से अधिक पापी थे? अब एक मिनट जाइएगा। आज कलीसिया के लोग, मसीही विश्वासी लोग, जब देखते हैं प्राकृतिक आपदाओं में लोग मर गए, मालूम क्या सोचते हैं? बिल्कुल वैसे ही सोचते हैं कि देखो ये पापी थे, मर गए, हम बच गए, जिसका मतलब हम धर्मी, हम बच गए। अरे क्या कर रहे हो, क्या सोच रहे हो? तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रीय परिसियों की धार्मिकता से ज्यादा कैसे हो गई? हम सब तो अन्य जाती है, हम सब अन्य जाती है। देखिए बाइबल में परमेश्वर ने पुरानी वाचा में जो लोग थे उनका एक शारीरिक चिन्ह बताया, खतना, और नए नियम में जो खतना रहित है उनके विषय में बात होती है, अन्य जाति। अब खतने वाले यही भी और बिन खतने वाले अन्य जाति। अब आप ये बताइए,
ये शास्त्री फरीसी कौन थे? यहूदी। आपकी धार्मिकता अन्य जातियों की धार्मिकता शास्त्री फरीसियों से बढ़कर हो सकती है? नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि वो मूसा की व्यवस्था को पकड़कर खड़े, और मूसा की व्यवस्था, मूसा को व्यवस्था किसने दी थी? परमेश्वर ने। और ये परमेश्वर ने दी क्यों थी? ये अब्राहम के वंश के थे, अब्राहम इसहाक याकूब, उसके बाद के जो पीढ़ियां थी ये सब इसराइली, ये सब अन्य जाति के समान हो गए थे उनकी पूजा करने में, और परमेश्वर ने उनको अब्राहम से अलग कर दिया। इन्हीं को मूसा के समय में, इन्हीं को मूसा की व्यवस्था के द्वारा इनको एक कठिन काम दिया गया था, और वो कठिन काम क्या था? बलिदान करते हुए बिजी कर दिया था, करते हो तब तक जब तक सिर्फ बलिदान नहीं आए। यीशु मसीह नहीं आएगा तब तक बलिदान करो। यीशु मसीह ने आकर वो सारे बलिदानों को पूरा करके खत्म कर दिया। अब शास्त्री फरीसी यीशु मसीह के अंदर, शास्त्री फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठ गए। आज कलीसिया में कौन लोग हैं? सब शास्त्रों के जानने वाले खड़े हो गए, और लोगों को क्या मैसेज दे रहे? कलीसिया में आने वालों को कह रहे थे धर्मी, कहां का भाई? कहीं लिखा हो तो बताइए कि कोई मसीही धर्मी हो सकता? इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल। यीशु मसीह, हमारी धार्मिकता यीशु मसीह, यानी हमने यीशु मसीह को पहन लिया, हम पापी, और ऊपर से हमने धार्मिकता के वस्त्र पहन लिए, यानी यीशु मसीह को पहन। तो यीशु मसीह हमारी धार्मिकता, हम कहां कर, हम तो पापी। परमेश्वर हमको क्षमा क्यों कर रहा है? यीशु मसीह के कारण। परमेश्वर की दृष्टि में वो धर्मी है, उसके कारण जब हमने उसको पहन लिया तो हमें क्षमा मिली। ऑन बिहाफ ऑफ जीसस क्राइस्ट, नॉट हमारी धार्मिकता से नहीं। तो कभी अपने अपने मन में अपने आप को कभी धर्मी ना समझे, और जब कोई किसी के साथ कोई कठिन परिस्थिति आ रही, कोई परेशान है, बेहाल है, किसी प्रकार की विपत्ति में लिप्त है, कभी ये मत सोचिएगा कि ये है पापी है। यहां पे गलीली लोगों का यही बता रहा है कि वो लोग सोच रहे थे कि ये सब जो मर गए प्राकृतिक आपदाओं में, लोग मर रहे हैं, ये पापी नहीं है। ये हम लोगों के लिए मैसेज। आगे पढ़िए क्या लिखा है। उसने कहा नहीं, मैं तुमसे कहता हूं कि नहीं, परंतु यदि तुम मन ना फिराओगे तो तुम सब भी। कैसे? जैसे प्राकृतिक आपदाओं में, एक्सीडेंट में अचानक नगानी मौतें हो रही है ना, असमय मृत्यु हो रही है, तवक्का हो रही है, रोड हो रही है, न्यूज भरी पड़ी है, और बीमारियां, महामारियां, मृत्यु का द्वार खुला हुआ है, यदि कोई मन, तुम मन ना फिराओ। आज कलीसिया से बात कर रहा, हमसे और आपसे बात कर, तुम मन नहीं फिराओगे तो तुम भी ऐसे मर जाओ, तुम्हारी दुआ तुम्हें बचा नहीं सकता। अब आप बताइए इसमें दुआ आई क्या? आया बचना चाहते हैं? जो जो मृत्यु जैसे रोड़े की रोड़ी, आप बचना चाहते हैं कि इससे हम बच जाए? क्या तरीका है? प्रार्थना से होगा कि पश्चाताप से, पासे प्रार्थना पासे पश्चाताप। लोगों को गलत मैसेजिंग कर दी और गलत टेंटेन कर दिया। अब लोग वही कर रहे जो बताया गया, दुआ करो दुआ करो दुआ करो दुआ करो। कहां लिखा दुआ करो? यीशु मसीह ने किसी को चंगा किया तो कहां दुआ से किया? क्या वो गॉस्पेल पढ़ के हमें बता दीजिए? उसने हर व्यक्ति को जो उस पर विश्वास करके उसके पास आया तो उसने कहा, क्या तू ये सोचता है कि मैं ये कर सकता हूं? उसने कहा हाँ प्रभु। जैसे कहा हाँ प्रभु, उसने कहा क्या तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया? यीशु मसीह ने कुछ किया कितना सरल? चंगाई चाहिए, चंगाई चाहिए, किसी को नहीं चाहिए, कैसे मिलेगी? ये नहीं, यीशु मसीह पर ये मान लीजिए वो कर सकता है, और अपने सारे गलत विचारों से, अपने सारे गलत कामों से जो आपको ध्यान आ रहे थे, ये पहले मैंने ये गलत किया है, पहले मैंने ये गलत किया है, मैंने यहां गलत सोचा, मैंने यहां पर गलत मानसिकता से बोला। आप तो जब आप अपनी गलती को मान लेते हैं तो क्षमा करने के लिए तैयार है। हालेलुया। यही नहीं बात है, नहीं बात है क्षमा की बात है, लेकिन कब? पश्चाताप। मानो तो, मानो तो मैं गलत हूं, मानो तो मैंने ये किया। हम पिछले हफ्ते में पूरे हफ्ते हम कितनी गलतियां कर जाते हैं, तो हर संडे हमको क्या करना चाहिए? पश्चाताप। आप करना शुरू कीजिए, देखिए आप एकदम फिट फैंड फिट एंड फाइन आ रहे हैं, तो कहिएगा चैलेंज है,
ये मेरा चैलेंज नहीं, ये तो प्रभु का चैलेंज है। उसने कहा मैं हमारी धार्मिकता वो है, हमारी सामर्थ्य वो है, हमारी चंगाई वो है, सब कुछ वो है, तो हमें उस पर निर्भर होना है। टेक लगा लिया, मेरा प्रभु देगा मुझको हर एक चीज अपनी महिमा और अपने धन के अनुसार अपने समय। हम जिद नहीं कर सकते, प्रार्थना करके हम क्या कर रहे हैं, जिद तो कर रहे हैं। एक बार की प्रार्थना में उनको लगता नहीं होगा तो फिर वो चेन प्रेयर करते हैं, कायक निकल, जैसे ठीक वैसे ही जैसे सरकार ने हमारी बात नहीं मानी तो हम आमरण अनशन पर बैठ जाते, हम खाना नहीं खाए जब तक मेरी बात मानी नहीं जाएगी। भूख हड़ताल, फास्टिंग प्रेयर, भूख हड़ताल, प्रभु ने कहा नहीं करना। यीशु मसीह ने कितने को चंगा किया, किसी ने फास्टिंग प्रेयर की, किसी ने चेन प्रेयर की, किसी ने कुछ किया, किसी ने आज तक 2000 वर्षों के कलीसिया में किसी ने ये चीज पर ध्यान ही नहीं दिया। यीशु मसीह को कहीं पर भी दुआ प्रार्थना और आराधना कुछ नहीं किया, उसने केवल लोगों को सत्य बताया, सत्य बताया, और जो लोग सत्य सुनने के लिए उसके पास आते थे उनको फायदा होता था। आज किसको फायदा चाहिए, चाहिए फायदा नहीं, सत्य सुनने आ कलीसिया। देखिए हम आपको एक बात बताएं, कलीसिया को भी लोग समझ नहीं पाए, हम बहुत कोशिश कर रहे हैं, बहुत जड़ से निकाल रहे हैं, इसलिए टाइम लग रहा है, हम पार्ट्स में चलते हैं, ये बहुत लेंदी सब्जेक्ट्स हैं। कलीसिया ठीक वैसे ही है, कलीसिया ठीक वैसे ही है जैसे कि एम्बेसी, एम्बेसी का मतलब समझते हैं, दूतावास, दूतावास में अमेरिका का एम्बेसडर दूत, शांति दूत किस हर कंट्री में बैठे, हर कंट्री में बड़े बड़े शहरों में बैठते हैं, इनके वहां दूतावास होते हैं। आप कभी दूतावास नहीं गए, आपको इसके बारे में कुछ कहीं सीधी नहीं मालूम। दूतावास के अंदर जो कि उनका बड़ी बिल्डिंग होती है, उसके अंदर कौन से देश का कानून चलता है, जिस देश के दूतावास होते हैं उस देश का नियम कानून अंदर काम करता है, लेकिन जैसे ही वो गेट से बाहर निकलते हैं तो किस देश के कानून को मानते हैं, जिस देश में वो दूतावास होता है उस देश का कानून माना जाता है। इसका मतलब वो दो व्यवस्थाओं में जीवन व्यतीत करते हैं, हाँ कि ना, हाँ, पुरानी वाचा नई वाचा बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगी, बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज है। NRI का क्या मतलब होता है, नॉन रेजिडेंट इंडियन। हमारे हिंदुस्तान के लोग जो विदेशों में जाकर वहीं रहते हैं, वहीं पर उनका परिवार है, बस गए एक तरीके से, क्योंकि वहां जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, वो वहां पर है, वहां के नागरिक है, और वो हिंदुस्तान भी आ सकते हैं कभी भी, क्योंकि वो यहाँ के मूल निवासी, मूल निवासी यहाँ के हैं, लेकिन वो जाते हैं वहां पर है, और वहां पर जाते हैं अपने जॉब के लिए, अपने बिजनेस के लिए। क्लियर, समझ में आ रहा, ये ऐसी चीज है जो बहुत आसानी से आपको सुसमाचार समझने में मदद कर सकती है, क्योंकि ये व्यवहारिक है। हम व्यवहारिक तरीके से आपको परमेश्वर के वचन को और सुसमाचार को समझने में आपकी सहायता करते हैं। अब जो NRI है, जब उसको हिंदुस्तान आना होता है तो कभी भी आ सकता है, मूल निवासी है ना, मूल निवासी, ये उसका मेन भूमि है, मदरलैंड, और जहां पर वो निवास कर रहा है ये फॉरेन लैंड है, करेक्ट। अब देखिए सुसमाचार में क्या कहा गया, आप वहां से शुरू कीजिए, अब्राहम से, अब्राहम मेरे साथ निकाल लीजिए, इब्रानियों की पत्री, इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय, नौ पद से पढ़िए, नौ पद, विश्वास ही से, किसने, अब्राहम ने, विश्वास ही से अब्राहम ने प्रतिज्ञा किए हुए देश में, पराए देश में, फॉरेन लैंड में, परदेशी के समान रहकर इसहाक और याकूब समेत, इसहाक और याकूब समेत उसके साथ उसकी प्रतिज्ञा के वारिस हुए, प्रॉमिस के, कौन, इसहाक और याकूब, याकूब के आगे लिखा कहीं, उसके आगे की जनरेशन थी इसमें नहीं,
यही तो मूसा की व्यवस्था में फंसे थे। अब हम मूसा की व्यवस्था से पहले देखे और फिर ये वाला पार्ट छोड़ के सीधे नए नियम में आ गए। तो अब्राहम ने जब परमेश्वर पर विश्वास किया था तो वो अन्य जाति तक यहूदी था, अन्य जाति था, अन्य जाति था। और फिर आप इस पार्ट को यहीं से छोड़ के फिर अब्राहम आ जाता नए नियम। अब आप ये बताइए अन्य जातियों को अब्राहम का एग्जाम्पल क्यों दिया जाता कि जैसे तुम लोग वैसे विश्वास करो जैसे अब्राहम ने किया था। तो हम लोग बीच में कहां फंस जाते हैं? मूसा की व्यवस्था दुआ प्रार्थना में, हालेलुया, प्रीस्टहुड में फंस जाते हैं। ये प्रीस्टहुड यहां पे आता है? मूसा की व्यवस्था में प्रीस्टहुड था, अब्राहम के टाइम में प्रीस्टहुड नहीं था और नए नियम में प्रीस्टहुड नहीं है। मैं दावे के साथ बोल रहा हूं क्योंकि हमारा हाई प्रीस्ट प्रभु यीशु मसीह है। उसने कोई प्रीस्टहुड नहीं बनाया, उसने अपने सेवकों को खड़ा किया, पूरी कलीसिया प्रीस्टहुड है नए नियम के अनुसार। तुम एक चुना हुआ वंश, राजपदधारी याजकों का समाज हो, ये पूरी कलीसिया प्रीस्टहुड। तो अब नए नियम में प्रीस्टहुड तो है ही, तो याजकों लोग प्रीस्टहुड कहां से बना के खड़े थे? प्रीस्ट का बेटा प्रीस्ट, प्रीस्ट का बेटा प्रीस्ट, प्रीस्ट के परिवार से प्रीस्ट निकले। ये तो हारून, हाँ ये तो हारून के उसमें चल रहा था, पारिवारिक गद्दी चली आ रही है। हम कहां जा रहे हैं? पहले के लिए क्या बोले? बाइबल नहीं समझे क्योंकि तो साफ साफ लिखा, सब चीजें साफ साफ, बस ये है पजल्ड है, कुछ यहां कुछ वहां, कुछ यहां कुछ वहां, बिना पवित्र आत्मा के तुम से इसको, हाँ इसको जोड़ नहीं पाओगे, पिक्चर क्लियर नहीं होगी, पजल होगी। हालेलुया, लेकिन पवित्र आत्मा हमको पजल को सॉल्व करता है। हालेलुया, आज कलीसिया में सब कुछ है, पवित्र आत्मा नहीं, परमेश्वर की प्रेजेंस नहीं है। और परमेश्वर की प्रेजेंस ना होने के कारण मालूम प्रेम नहीं, और जहां परमेश्वर का प्रेम है निस्वार्थ प्रेम वहां अनुग्रह नहीं, और जहां अनुग्रह और प्रेम नहीं है वहां पवित्र आत्मा नहीं। प्रेजेंस ऑफ द होली स्पिरिट, होली स्पिरिट इज गॉड, ये तीनों इक्वल है, उनको आप अलग अलग नहीं कर सकते, कम ज्यादा नहीं है। अब यहां पर जो चीज बताई गई कि एनआरआई को हम समझा रहे थे, यहां अब्राहम के बारे में लिखा है कि अब्राहम कनान देश में, जो आज इज़राइल का नेशन, यही जमीन है कनान, प्रॉमिस्ड लैंड बोलते थे। परमेश्वर ने अब्राहम से वादा किया था ये भूमि मैं तेरे वंश को दूंगा, ये तेरी होगी, तेरा तेरा देश होगा जो आज है। लेकिन अब्राहम उस भूमि में कैसे रहा था? फॉरेन लैंड, तंबू में रहता, तंबू में वास करता। और अब्राहम इज़हाक और याकूब तीनों ने वास किया, याकूब के बाद जो वंश बढ़े और इन लोगों से वो कनान की भूमि जो थी वो बढ़ गई, लैंड तो मिल गई लेकिन ब्लेसिंग नहीं मिली, ब्लेसिंग नहीं मिली। उस लैंड में आज भी एक प्रॉब्लम है, वहां नदी नहीं है और जो नदी है वो उस भूमि के लिए काफी नहीं है, और चारों तरफ से समुद्र है। अब बताइए पीने का पानी कहां से आएगा? नदी ना होना मतलब जीवन, जमीन में जीवन ना हो, क्योंकि नदी जो है वो जीवन का स्रोत है, मीठा पानी पीने के लिए। तो पानी पीने के लिए उस लैंड को कहां से मिलेगा? परमेश्वर ने उनको इतनी बुद्धि दी कि उन्होंने ऐसी ऐसे प्लांट्स बनाए, ऐसी मशीन बनाई है जो समुद्र के पानी को मीठा पानी बनाती। हालेलुया, सर्वाइव तो करा रहा, लेकिन अभी परमेश्वर का वायदा उसके लिए काफी है, बाकी है। अब आप देखिए एनआरआई से सीखिए, हम अगर मसीह यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, अगर यदि पौलुस ने यदि लिखा, यदि का बहुत बड़ा भेद है, यदि का मतलब जब तक प्रमाणित नहीं है, अगर अगर हम उस पर विश्वास करते हैं तो हमारी जिंदगी इस बात का प्रमाण होगी। पहली बात, गीत गाने से, प्रार्थना करने से, बाइबल पढ़ने से, दशमांश देने से यह साबित नहीं होता कि हम मसीह नहीं। तो ये कैसे साबित होगा कि हम मसीह हैं? पवित्र आत्मा का निवास मेरे अंदर है, पवित्र आत्मा का मंदिर है ये शरीर जो है पवित्र आत्मा का मंदिर है, ये इस बात का प्रमाण होता है कि हम मसीह में हैं, मसीह हम में। ठीक, अब ये देखिए बिना पवित्र आत्मा के फल होगा ये बात प्रमाणित हो सकती कि हम मसीह में हैं? पवित्र आत्मा के फल क्या? प्रेम,
कौन सा प्रेम? ये रियल लव नहीं, रियल लव स्वार्थी होता है। ये उन्होंने मुझे कुछ दिया है, मुझसे बहुत प्यार करें, जब तक ये देंगे तब तक बहुत प्यार करेंगे, जिस दिन देना बंद हो गया नफरत बुराई। हालेलुया, ये रियल लव। लेकिन अगापे लव, वहां पे अगापे लिखा हुआ है ग्रीक में, अगापे का मतलब होता है वो प्रेम जो परमेश्वरीय प्रेम, निस्वार्थ प्रेम, बिना किसी स्वार्थ के। ये चाहे मेरा दुश्मन भी है मैं इससे प्यार करूंगा, क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरे को प्यार से देता है और इसलिए दे रहा है ताकि मैं दुश्मनों से प्रेम। यही तो यीशु मसीह ने कहा था, यदि तुम अपनों से प्रेम करते हो अपनों को तो इस दुनिया में सब प्यार करते, दुश्मन से प्रेम करना सिखाते हैं, सीखे क्यों? 2024 वर्षों आज तक सीखा नहीं, सप्लाई नहीं, जब मिलेगा तभी तो करोगे, है ही नहीं परमेश्वरीय प्रेम। और जब परमेश्वर का प्रेम आएगा तो धीरा जाएगा कि उसके सब बाई प्रोडक्ट है, उसके आगे जो लिखा सब बाई प्रोडक्ट है अगापे, प्रेम, धीरज, आनंद, कृपा, भलाई, संयम, ये सब चीजें आपके अंदर डेवलप होने लगेंगी उस केवल एक प्रेम के बाद। मसीहत की जो ट्रेडमार्क है, जब आप चारों वस्तुओं पढ़ लीजिए, उसने कहा तुम आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जान लेंगे कि तुम मेरे चे, तुम दुआ करोगे तो नहीं जाने, नहीं लिखा। ये तो गलत अंडरस्टैंडिंग है लोगों की, किसी को देखते हो रो रो के दुआ करवा दे, बड़ा बड़ा आत्मा में भरा हो, कहां लिखा बाइबल? आप हर चीज को बाइबल से कंपेयर कीजिए, चारों गॉस्पल में जाके देखिए कि यीशु मसीह ने कभी ऐसा किया? यीशु मसीह ने कभी स्टेज पे खड़े होकर प्रचार किया? यीशु मसीह ने कभी अपने आप को ऊंचा उठा के प्रचार किया? एलिवेटेड स्टेज आज देख ली, यीशु मसीह ने कभी टाई वाई लगा के एकदम ऐसे बन के कभी प्रचार किया? लोग उनको तो बहुत मानते, यीशु मसीह से ज्यादा मानते, यीशु मसीह का दर्जा कम कर दिया। ये क्या कर रहे हैं लोग? और कहते हैं हम कलीसिया, ऐसा कौन सा सेवक है जिसको तुम यीशु मसीह से ऊपर उठाए हो? मेरा पास्टर, मेरा पास्टर, मेरा पास्टर, मेरा पास्टर, और तुम्हारा पास्टर तुमको कहां लेके जा रहा तुम्हें खुद नहीं मालूम, वो किस चीज को फॉलो कर रहा तुम्हें खुद नहीं मालूम। यीशु मसीह कहा अंधे अंधे को मार देगा, दोनों कहां जाएंगे पता कब चलेगा? निकालेगा कौन? मैं नहीं निकालू, सही बात, परमेश्वर कहते मैं नहीं निकालू, तुम अपने मंसर के पीछे चल दिए, और एक से एक आए तो तुम्हारा अपने पीछे लेगा चल रही, और तुम आराम से उनके पीछे चलेगा, मेरा पास्टर, मेरा पास्टर, मेरा चर्च, मेरा चर्च। अरे किसका चर्च? उसने कहा मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और उसकी कलीसिया जब वो बनाएगा ना तो वो एक ऐसे सूप लिखा है, वो अपना सूप हाथ में लेकर फटकेगा। मसीह की कलीसिया में क्या होगा? सूप चलेगा, भूसी अलग, गेहूं अलग, भूसी अलग, गेहूं अलग, कटनी छटनी सब साथ साथ चलेगी। तो इसका मतलब मसीह की कलीसिया वो है जहां तुम जाना पसंद नहीं करो, कौन जो अभी यार बहुत कड़वा बोलते हैं, बहुत हार्ड बोलते हैं, लगती है, अरे लगेगी नहीं तो पश्चाताप करो। इंजेक्शन लगता है लेकिन फायदा बहुत करता है, हालेलुया। जो दर्द आप भूल जाएंगे जब आराम मिलेगा जी। रोमियों की पत्री 2 अध्याय, रोमियों पत्री 2 अध्याय का 4 पद पढ़िए जी, रोमियो 2:4। रोमियो की पुस्तक जब तक लोग निकाल रहे हैं आपको बता दूं, द बुक ऑफ रोमन्स, रोमियो की पुस्तक जो है वो बुक ऑफ जस्टिफिकेशन है। जस्टिफिकेशन का मतलब अदालत की कार्रवाई उसमें दिखाई गई, अदालती कार्रवाई, यानी फैसले का जज बैठा हुआ है और फैसला सुना रहा है, ये जस्टिफिकेशन है जी। क्या तुम उसकी कृपा और सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है, क्या ये नहीं समझता कि परमेश्वर की कृपा परमेश्वर की कृपा आप पर हो रही? इसका मतलब ये नहीं कि आप धर्मी हैं, परमेश्वर की कृपा इसलिए हो रही है ताकि परमेश्वर अपने अनुग्रह को आप पर इसलिए प्रकट कर रहा है कि तू मन फिरा ले, मैंने तुझ पर अनुग्रह किया ताकि तू मन फिराए। आप पर अनुग्रह कई बार हुआ लेकिन पश्चाताप नहीं किया होगा, आपने दुआ की होगी, हालेलुया। यहां पे क्या लिखा है? मन पे तो तू मन फिरा, हाँ के
परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव को सिखाती। परमेश्वर की कृपा यानी उसका उसका जो ग्रेस है, उसका अनुग्रह है, वो हमें मन फिराव के लिए उभारता है, हमको कहता है, हमसे चाहता कि ये मन फिरा ले, मैं इस पर अनुग्रह कर रहा हूं। और अनुग्रह होते समय आप सोचते हैं हम तो धर्मी, उल्टा हो गया, और हम जैसे ही धर्मी अपने आप को समझते हम परमेश्वर के सामने घमंड से खड़े हो जाते, देख मैं तेरे को बहुमान देता हूं, देख मैं हर संडे चर्च आता हूं, देख मैं तेरे बाइबल पढ़ता हूं, मैं दुआ करता हूं। हाँ, वो चुंगी लेने वाला और वो परीसी, उसकी देखिए दोनों मंदिर में गए, दोनों के एटीट्यूड को देख लीजिए। जब परमेश्वर का अनुग्रह किसी पर होता ना, तो ये सोचता है कि जैसे फरीसी, अरे देख मैं तो आता हूं, कभी धर्मी नहीं चुका। आज मसीहत में सबसे बड़ा जो फ्लो चल रहा है वो सब यही फंस गए जी। एक पद और पढ़िए जो आपको मिलेगा, भजन संहिता 51 उसका 17 पद, भजन संहिता 51 साम 51 17। थैंक यू। भजन संहिता, टूटा हुआ मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है, हे परमेश्वर तू टूटे हुए और पिसे हुए मन को आप कैसा मन लेकर आए। फरीसी वाला मन, टूटा हुआ मन, फरीसी है, हम तो मसीह को मानने वाले, हम मसीही हैं, वो तो हमारा जब हमारी जेब में रहता है, हमें पश्चाताप की जरूरत नहीं है, पश्चाताप वो करें जो मसीह को नहीं जानते। हालेलुया, क्या कर रहे हैं उसके धीरे धीरे धर्म को तुच्छ समझ रहे हैं। और मालूम है ऐसे देखते देखते आप देखते जाइएगा, जो अंदर दिखते थे ना पहले किसी जमाने में, तो सब बाहर वहां जहां रोना और दांतों का पीसना वहां होंगे, और सारी अन्य जाति अंदर आ जाएगी। और हो रहा है, बहुत तेजी से हो रहा है, देख पाओ तो देख लो, आंखें हो जिसके पास आंखें हो देख ले, सामने हो रहा है, और फिर भी मसीही लोग नहीं चाहते। हम अपने घमंड में चूर, जैसे यहूदी, यहूदियों के साथ जो हुआ था पुराने नियम में, जहां उनको छोड़ा गया वहीं फंसे, और अब यहां पर अन्य जाति की बात आ रही है, और हम सब अन्य जाति में आते हैं। कभी ये मत कहिएगा कि हम जन्म से मसीही हैं, पैदा नहीं हो सकते। जैसे यहूदी के परिवार में जो पैदा होगा वो यहूदी होगा, और यहूदी व्यक्ति अगर वाचा से बाहर हो गया, उसके घर में जो पैदा हो रहा है वो यहूदी नहीं है। ये एक विडंबना है, ये चीज आपको समझने में थोड़ा वक्त लगेगा, पार्ट्स में जब टीचिंग देंगे तब आपको समझ आएगा। पौलुस ने चीज को बोला कि जितने अब्राहम के जितने वंश है सब परमेश्वर के वंश नहीं है, उसने कह दिया था नहीं है, धोखा मत खाना। और इसी तरीके से मसीहत में भी वही चीज है, जो वहां हुआ है वही यहां हो रहा है, कोई अलग नहीं हो रहा है। बाइबल में सब कुछ एकदम इसी धोरे में होगा। लूका रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय उसका 32 पद पढ़िए, लूका रचित सुसमाचार 5 अध्याय का 32 पद, 532 लूक 532। मैं यीशु मसीह कह रहा, मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को मन फिराने के लिए। यीशु मसीह किसको बुला रहा, काय के लिए बुला करो, तो आप काय के लिए हैं, हम सब पापी हैं, मानते हैं कितने मानते के पाप, हम पापी हैं, तो हमको काय के लिए बुला रहा, आओ बुला करो। हाँ, फायदा क्या मालूम, जैसे ही आप मन फिराएंगे आपको सगाई मिल जाएगी, मालूम फ्री चलिए, सच्चा पश्चाताप आपको चंगाई देता है, सच्चा पश्चाताप आपकी हर समस्या को यूं उठा लेगा। ऑपरेशन यानी दबे हुए हैं एकदम, कुचले जा रहे हैं, परेशान है, विपत्तियों में दबे हुए, बीमारियों से परेशान है, वास्तव में परेशान है कि नहीं, ऐसी बीमारियां जो आपको परेशान कर रही है, छुटकारा चाहिए, बुरा से नहीं मिलेगा, मन बुलाई पर मिल जाए तुरंत मिलेगा, वो बुला रहा है चंगा करने के लिए बुला रहा, लेकिन उसके बुलाने में क्या मानो मैं कॉल, परमेश्वर की बुलाहट क्या है, पश्चाताप, काई भी बुला रहा, कॉलिंग ऑफ गॉड, पश्चाताप, पश्चाताप नहीं करोगे तो तुम्हारी बुलाहट निकल गई, दूसरे का नंबर आ जाएगा, और बाद में कोई पश्चाता क्या होगा, अरे प्रभु मैं तो चूक गया था, कहेगा गुड गर्ड लाइन में लगू,
फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व चल रहा, जो आ गया उसको चलने का, तुम पीछे लाइन में लगो तुम्हारा नंबर आएगा तब। तो आप एक बार अगर मसीहत में चूकते हैं पश्चाताप करने से, तो आपकी जिंदगी में कितने समय बाद नंबर आएगा ये ध्यान रखिए। तो जैसे ही नंबर आए तो आपको तैयार रहना है, ताकि आपको उस अनुग्रह को व्यर्थ ना जाने दे, बल्कि पश्चाताप करे और नया जीवन प्राप्त करे, नया जन्म प्राप्त करे। एक और पद पढ़िए जो आपको मिलेगा, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 3:19, प्रकाशित वाक्य 3:19 है। ये कलीसिया को, ये कलीसिया है, कौन सी कलीसिया जरा देखकर बताइए। 3 में लौदीकिया की कलीसिया, लौदीकिया एक ऐसी कलीसिया है, लाओडिशियन चर्च। ये आजकल ऐसी कलीसिया आपको बहुत आम है, बहुत आम है। यहाँ पे जो जितनी कलीसिया दी है वो आपको आज सब जगह मिलेगी, यही चीजें मिलेंगी कलीसियाओं। इसका पहला पद पढ़िए यहाँ पे क्या लिखा है, लौदीकिया की कलीसिया पहला पद। ये सर्दी की है नहीं, ये जो चैप्टर वही है। हाँ हाँ, तो यहाँ पे कौन सा पद है, 14 पद पढ़िए। लौदीकिया की कलीसिया के दूत को ये लिख, जो आमीन, आमीन कौन है, यीशु मसीह का एक नाम आमीन है। आप दुआ में बाद में क्या बोलेंगे, आमीन है ना, आमीन यीशु मसीह का नाम है। आमीन का मतलब है ऐसा ही करने वाला, जो तुमने बोला है उसे करने वाला। जी, विश्वास योग्य और सच्चा गवाह है, और परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण है। वो ये कहता है, मैं तेरे कामों को जानता हूँ। लौदीकिया की कलीसिया को कह रहा, मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तू ना तो ठंडा है और ना गर्म, भला होता। देखिए आज तक कौन सी कलीसिया है, गुनगुनी गुनगुनी कलीसिया, क्योंकि ढक्कन इतना है कि गर्म होंगे, यानी गर्म का मतलब विश्वास में परिपक्व होकर और सत्य बोलेंगे खुल के। जब खुल के सत्य बोलेंगे, ये गर्म का मतलब है खुल के सत्य बोलने वाले। अगर आप खुल के सत्य को बोलेंगे ना, आपके सब सफा हो, भीड़ दिखती है ना, भीड़ साफ क्यों साफ हो गई, नहीं भाग जाएंगे क्यों नहीं, सच बोल रहे, भीड़ लगी नहीं, इसका मतलब दुख नहीं। ये आपको परमेश्वर की तो आत्मा आपको ले दिखाती, जहां भीड़ हो तो समझ जाओगे यहाँ पर ट्रुथ नहीं है। ट्रुथ होना, आप वहां खड़े होकर ट्रुथ बोलना, क्योंकि देखिए सब भाग जाए, सब भाग जाएंगे, लेकिन जो बचेंगे सत्य को ग्रहण करने वाले बचेंगे, बाकी सब भाग जाएंगे। असली स्ट्रेंथ वही मानी जाएगी। भीड़ लगाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, हम बड़ा सा हॉल लेके हम बहुत पहले कर चुके होते, हमें सब मालूम हो गया था इस चीज को, हम बहुत पहले करते, बड़ा सा हॉल लेकर, बड़ा हॉल बनाकर, भीड़ की भीड़, और उनको उखड़ी करने वाली बातें करते रहते, पब्लिक बांधे हो, नेम फेम मनी तीनों चीज आई। हमने हमने करना प्रभु, हम सत्य के अलावा कुछ नहीं बोलेंगे भले पांच लोग, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा ने मुझे एक बात सिखाई कि 1,000, 2,000, 10,000 लोग हैं कलीसिया में और आत्मिक नहीं है। एक समय ऐसा आएगा जब वो डर के मारे सब भाग जाएंगे, एक नहीं दिखेगा। लेकिन जहां पवित्र आत्मा से भरे हुए परमेश्वर की वचन से मजबूत 5 लोग होंगे, वो कलीसिया स्वाभिर होगी। कलीसिया का मतलब गिनती नहीं है, कलीसिया का मतलब बिल्डिंग भी नहीं है, कलीसिया का मतलब है मसीह के सच्चे गवाह, विटनेस ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह कितने छोड़ के गया था, 12। पूरी दुनिया में मसीहत को फैलाने वाले केवल 12 लोग थे, आज ये करोड़ों भी नहीं कर पा। ये जीके का क्वेश्चन है, हम स्टैटिस्टिक्स में चले जाते बोलते बोलते, आज तो इतने बड़ी 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 खुली हुई है, कल को चले तो वहां जो जाते उन्हीं की तारीफ करते, वहां जो जाते हैं प्रभु की तारीफ तो करता ही, मेरा पास्टर, आप जिस चीज का नाम रखते रहते हैं ना, ये आराधना है, आप उसकी स्तुति कर रहे हैं। हाँ, वो मूर्ख बना लिया आपने,
हालेलुया बिल्डिंग को पूरा देना कि मेरा क्या मेरा क्या मेरा क्या मेरा क्या। यीशु मसीह कहता था मैं अपना बनाऊंगा और सूत लेकर फटकूंगा, जो जो गेहूं का दाना वो मेरी कलीसिया। हालेलुया। आप किसकी कलीसिया बनना मांगते हैं, किसकी कलीसिया का हिस्सा बनना मांगते हैं? मसीह की। तो फटके टेस्टिंग के बनाने, ये टेस्टिंग है, उछालेगा, देखे कितना सह सकता है मेरे को, मेरी सत्य को लेकर इस दुनिया में कितना ये चल सकता है। आप उसके सत्य को लेकर खुल के बोल देंगे, कार तक बोलेंगे, वो भर जाएंगे डर। लेकिन हमारा ये, हम इस बात में विश्वास करते हैं कि जो मसीह के लोग, उसने ये वायदा किया है यूहन्ना 10, मेरी भेड़े मेरा शब्द सुनती है, पहली बात। फिर मेरी भेड़े मेरा शब्द पहचानती है। फिर तीसरी बात, मेरी भेड़े पराई के पीछे जाएंगे नहीं, मेरे पीछे आएंगे। अगर हम यीशु मसीह के चेहरे हैं तो हमारे पीछे जो भेड़ है वो किसकी है? हम खुद उसकी भेड़। तो हमारे पीछे देखते हैं सब किसकी भेड़ है? तो हम सब भेड़ हैं, हम भी भेड़ हैं, है ना, हम भी भेड़ हैं। लेकिन अगर हमारे पीछे भीड़ है, ये किसकी है? यीशु मसीह के पीछे भीड़ चलती थी, उसने कभी नहीं कही मेरी कलीसिया, कभी नहीं कहा। उस भीड़ के बावजूद उसने कहा मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। हालेलुया। ये भीड़ क्या थी? उसको मालूम था ये अपने अपने मेरे मतलब से मेरे पीछे आ रहे, अपने अपने धीरे धीरे निकल जाएंगे, मंजिल मिलेगी निकल जाएंगे। जिसको चंगाई मिली निकल लिया, जिसको जो फायदा चाहिए था वो लिया निकल लिया, ये भीड़। हालेलुया। आज कलीसियाओं में भी यही हो रहा है, लोग आते हैं लोग जाते हैं, जाते हैं लोग जाते हैं, जिसको जो चाहिए मिल जाता है चले जाते हैं। क्या ये मसीह का सेवा हो रही? पश्चाताप कोई नहीं कर रहा, मांगने आ रहे, प्रार्थना कर दीजिए, चंगाई के लिए प्रार्थना कर दीजिए, और लोग कर रहे हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है जी। एक पद और पढ़िए जो आपको मिलेगा, इसका 19 पद पढ़िए। मैं जिन जिन से प्रीति रखता हूं, इसी कलीसिया को परमेश्वर से कह रहा हूं, मैं जिन जिन से प्रीति रखता हूं उन सब को क्या कह रहे हैं? उलाना का मतलब क्या होता है? नहीं, उलाना अलग चीज है, है? नहीं, इंग्लिश पढ़ लीजिए, मॉर्निंग लिखा है इंग्लिश में, क्या लिखा है देखिए, तुक्का लगाने से अच्छा तुरंत हमने एक चीज सीखी लाइफ में, आप भी सीख लीजिए। कभी कोई तकलीफ हो एक्सपर्ट ओपिनियन लीजिए, इधर चुटमुट के पास मत जाइए। आज एमबीबीएस डॉक्टर फेल हैं, सीधे एमडी के पास जाइए, वो भी एकदम आप समझ के जाइएगा, जेब आपकी खाली हो सकती और आपका खाता भी खाली हो जाए। हालेलुया। ऑलवेज कंसर्न, आप हमेशा एक्सपर्ट ओपिनियन में बिलीव कीजिएगा, किसी के भी प्रचार में किसी की शिक्षा में कभी मत फंसिए। एक्सपर्ट ओपिनियन जी, और एक्सपर्ट ओपिनियन में हम सीधे बाइबल में जाते हैं, इंग्लिश में पढ़िए रेवलेशन चैप्टर 3 वर्स 19 जी। Those whom I dearly and tenderly love, I tell their faults. उलहाना का मतलब क्या है? आपकी गलतियां बताना, और अगर बताना शुरू कर दें, आप टिकेंगे? लेकिन मालूम है ये काम प्रभु यीशु मसीह पर्सनली ये काम आपके साथ करना मांगता है। वो आपको आपकी गलती दिखाएगा, जब आप पश्चाताप करेंगे, सच्चे दिल से पश्चाताप करेंगे, तो वो आपको दिखाएगा जब तुमने ये किया था, यहाँ पे तुमने ये बोल दिया था, यहाँ पे तुमने ये सोचा था, और तू अपने आप को ये समझता है, तू अपने आप को जो नहीं है वो समझ रहा है, जो है वो अपने आप को मान ही नहीं रहा, तू अपने आप को धर्मी समझ रहा, तू पापी है, तू मान ही नहीं रहा कि तू पापी है, वो दिखाएगा। He told them faults, वो आपकी गलतियां बताएगा। आज बताइए किस कलीसिया में है? लेकिन यीशु मसीह कह रहा है I will build my church, और एक कलीसिया को कह रहा है कि मैं जिससे प्यार करता हूं, जिस कलीसिया में मैं हूं, वहां मेरा काम क्या है मालूम है? गलतियां बता, तुमने ये किया, तुमने ये किया, तुमने ये किया। हम पब्लिकली ये नहीं करेंगे, मत डरिए, हम पब्लिकली कभी नहीं करेंगे, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा इस बात की अनुमति मुझे नहीं देता है। लेकिन हम आपसे जनरली बात कर रहे हैं, परमेश्वर आपसे संवाद कर रहा है,
कम्युनिकेशन कर रहा है, आपसे बातचीत कर रहा है। क्या आपको लगता है कि आपने गलतियां की हैं? क्या जरूरी है कि आपकी गलती आपके मुंह पर बताई जाए सबके बीच में, या आपको खुद ये बात यीशु मसीह दिखाएगा कि तुमने ये किया है, सबको अपना अपना दिखाएगा? आप देखने के लिए तैयार हो? आप जब पश्चाताप में आंख बंद करते हैं तो आपको दिखाएगा ये तूने किया था। जब बताए उसने कहा है मैं उनकी फॉल्ट उनको बताऊंगा। आगे इंग्लिश में पढ़ दीजिए, आई टेल देयर फॉल्ट्स एंड कन्विक्ट, दोषी ठहराऊंगा एंड कन्विंस, उसके बाद मैं उनसे कहूंगा देखो तुम दोषी हो, और कन्विंस का मतलब फिर मैं कहूंगा कि ये बलिदान तुम्हारे, मैंने अपना बेटा तुम्हारे लिए बलिदान किया, क्या तुम इस बलिदान में विश्वास करते हो? करते हैं? यस। अगर आपने विश्वास कर लिया ये मेरे लिए, मेरे पापा के लिए मारा गया, मेरे पापा को उतारा गया, तो परमेश्वर कहता है कन्विंस के बाद क्या लिखा है? रीप्रूव का मतलब मालूम क्या हिंदी में? डांटता हूं। तो मसीह का आत्मा जब कलीसिया में होगा तो कलीसिया को क्या करेगा? पुटकारेगा के तो हम आनी जाएंगे वो डांटते हैं। यस, जिसको ये सच्चाई मालूम है कि वो हमें डांट रहा है, और उसके डांट से और उसके लिखा है इब्रानियों 12 में लिखा है जब प्रभु की ओर से तेरी ताड़ना हो तो इसे हल्की बात मत जान, और जब वो तुझे भुड़के तो अपना स्थान मत छोड़। जी वो आपको प्यार कर रहा है, बेटा बाप उसी बच्चे को जिससे बहुत प्यार करता है उससे ताड़ना करता है, उसको बहुत कड़क तरीके से उसके साथ पेश आता है, ये प्यार है। परमेश्वर हमसे ये वाला प्यार करना मांगता है, लेकिन हम परमेश्वर से कौन सा प्यार एक्सपेक्ट करते हैं? कुछ प्यार नहीं, मीठी मीठी बातें करो, हम क्या देना चाह रहे हो बताओ, जल्दी बताओ, खजाने चाबी दे रहे हो बताओ, मैं बाद में पढ़ने आऊं, जब तक आप उसके वारिस नहीं बनेंगे आपको मिलेगा? अभी भी नहीं समझ में आया वो किसी को सिर्फ मालूम ही नहीं। अगर माँ बाप की प्रॉपर्टी है तो बच्चों को कैसे मिलेगी? वसीयत से है ना, वसीयत से मिलेगी। और अगर बच्चा माता पिता के साथ बफादार ना है, वसीयत में नहीं होगा। तो परमेश्वर हमको वारिस बनाना, वारिस का मतलब वसीयत वारिस को मिलती है, और परमेश्वर हमें अपना वारिस बनाना मांगता बॉर्न अगेन से शुरू होगी वसीयत। वसीयत की शुरुआत बॉर्न अगेन से, कलीसिया में आके नया जन्म प्राप्त, बॉर्न अगेन हो गए तो तुम परमेश्वर के परिवार में आ गए, अब तुम सर्विस साबित कदम रहे, पवित्र आत्मा के नेतृत्व में चलते रहे, परमेश्वर के वचन को तुमने बहुत आदर दिया, परमेश्वर की इच्छा और योजना में बने रहे तो तुम्हें विरासत मिलेगी, और नहीं तो तुम्हें अनंत धन। यही है मसीहत, बिल्कुल साफ साफ लिखा है, उसमें लॉ साथ साथ चल रहा है, पुराने नियम में भी लॉ चल रहा था, यहां भी लॉ चल रहा है। जी अब ये एक पद और निकाल लीजिए, आपको मिलेगा लूका रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय का 7 पद, लूका 15:7। मैं तुमसे कहता हूं कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा जितना 99 ऐसे धर्मियों के विषय में नहीं होता जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता है। जिन्हें लगता है कि हमें मन फिराने की आवश्यकता नहीं, इसका मतलब वो अपने आप को धर्मी मान रहे हैं, परमेश्वर के यहां आनंद नहीं होगा। आपको ये पद कभी नहीं समझ में आएगा, पूछिए क्यों? क्योंकि मन तो फिराई नहीं, मन फिराने पे आनंद क्यों होता है? अब हम एक बार बताइए, जब आपके घर में कोई बच्चे का जन्म होता है तो आनंद होता है? बारिश पैदा हुआ आनंद होता है कि नहीं होता? जैसे ही आप मन फिराते हैं कलीसिया में आप बॉर्न अगेन हो जाते हैं, और बॉर्न अगेन हो जाते हैं स्वर्गीय परमेश्वर के घराने में बारिश पैदा हुआ, इसीलिए आनंद होता है, और जहां मन नहीं फिराएंगे तो बारिश कहां से आएगा? हालेलुया। अब जहां से कहते ये पद आपको कभी नहीं समझ में आएगा, जबकि कॉन्टेक्स्ट में आप देख रहे हैं। हालेलुया। आप चाहते हैं परमेश्वर के घर के बारिश में मन फिराएंगे,
है, हो सकता है आज आपका नंबर लगा हो, खट से आप स्वर्गीय राज्य के में वारिस पैदा हो गया। और आपको देखिए एनआरआई वाला फॉर्मूला याद रखिए, आप फॉरेन लैंड में, हम इस दुनिया में है ये फॉरेन लैंड, हम यहाँ काम करते हैं, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, सब कुछ है, हमें कुछ नहीं छोड़ना है, सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन व्हेन वी आर इन द वर्ल्ड, जब आप अपने गेट से बाहर निकलते हैं, यू आर इन द वर्ल्ड, ठीक फॉरेन लैंड में आ गए, आपको फॉरेन लैंड में कैसे हो, लॉ ऑफ द लैंड काम करता है, जो हमारे देश का कानून है वो आपके गेट के बाहर काम करता है। ऐसा कोई काम ना करे जो कानून के खिलाफ हो। मसीहत का सबसे बड़ा फॉर्मूला बता रहा, और जैसे ही आप गेट के अंदर आते, आपके घर में और आपके दिल में और आपके परिवार में किसका राज्य, उसका राज्य होना चाहिए। अगर आप उसके राज्य में, आपका परिवार है और आप हैं, तो घर में किसका कानून चलेगा, परमेश्वर का। और जैसे ही गेट से बाहर निकलेंगे किसका कानून चलेगा, देश का। आप फ्रांस जाइए, फ्रांस में किसी भी रिलीजन का कोई भी व्यक्ति, रिलीजन इज इंडोर, तो बहुत अच्छी चीजें सीखने वाली इंडोर है। आप अपने घर में, आप अपने कल्चर के अनुसार पकाना खाना और जो कुछ उत्सव मनाना सब करें इन द हाउस। लेकिन जब आप जैसे ही बाहर निकलते गेट से, लॉ ऑफ द लैंड, कंट्री का लैंड लागू हो जाए, और आप बाहर जाकर कोई गलत करेंगे, रिलीजियस एक्टिविटी करेंगे, अलाउड नहीं है। मसीहत में भी यही चीज लागू होनी चाहिए कि हम लोग, क्योंकि मसीहत तो पूरी दुनिया हर राष्ट्र में, तो वहां पर एक मसीही को यह मालूम होना चाहिए कि जैसे एक अंबेसडर होता है, फॉरेन लैंड में रहता है, और जब वो अपने गेट से बाहर निकलता है तो उसे देश के कानून के अंतर्गत आ जाता है। अगर उसने कोई भी गलती की तो देश का कानून के अंतर्गत उस पर कार्रवाई होगी और होनी चाहिए। हमारे साथ भी ऐसी, लेकिन जब हम अंदर हैं, ऐसी जब आप कलीसिया में, कलीसिया भी एक अंबेसी की तरह, कलीसिया में जब आप आए तो आप किसके राज्य में आ गए, और जैसे ही आप कलीसिया से बाहर निकले, यू आर इन द वर्ल्ड, तो वर्ल्ड में आपका कैसा व्यवहार होना चाहिए, आप कहां से निकले हैं, इस बात का आदर तभी होगा जब आप वहां से निकलकर व्यवहार सही करेंगे, और आप यहां से निकलकर बाहर लौटने लगे, ये कलीसिया में नहीं आया, ये तो अपनी दुनिया में खोया था, वहां बैठा जरूर था, और ये बाहर आया तो ये अपने मानसिकता के साथ आ गया, अपना स्वभाव दिखा। ये हमेशा याद रखिए, वी ऑल आर एनआरआईज, एवरी क्रिश्चियन, एक हर मसीही, सच्चा मसीही एक एनआरआई है। हम वर्ल्ड में भी हैं लेकिन वर्ल्ड के नहीं है। लिखा ना पौलुस ने कहा था, हम दुनिया में हैं लेकिन दुनिया के नहीं है। हम दुनियावी बातों में अपने आप को लिप्त ना करें, हम परमेश्वर के वचन और परमेश्वर की इच्छा और योजना में आगे बढ़ते रहे। तो ये हमारा इंटरनल है, आप अंदर कुछ भी करिए अपने मन में, अपने घर में, लेकिन आप बाहर वो नहीं करेंगे। जब आप सामूहिक सार्वजनिक तौर पर कुछ करते हैं वो मसीहत में नहीं आता। इसीलिए मसीहत को कहा गया वो इंटरनल, भीतरी मनुष्य। पश्चाताप करेंगे तो आपका भीतरी मनुष्य नया होगा, और परमेश्वर के राज्य में आपको सप्लाई मिलने लगेगी। सबसे पहली सप्लाई मिलेगी परम पिता परमेश्वर का अगापे लव। और लव क्या करता है मालूम है, लव बाइंड्स, मोहब्बत बांधती है। आपके अंदर इतनी मोहब्बत बन जाएगी कि आसपास के लोग भी आपसे प्रेम करते हैं। और ये मोहब्बत ही है जो मसीहत की निशानी है, ट्रेडमार्क है। और अगर ये नहीं है तो आपके अंदर परमेश्वर नहीं है, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। लास्ट में प्रार्थना करने चल रहे, एक पद पढ़ दीजिए ताकि हम प्रार्थना करें, और वो पद मिलेगा आपको दूसरा इतिहास 30 अध्याय, दूसरा इतिहास उसका 30 अध्याय और उनका 9 पद पर, सेकंड क्रॉनिकल्स चैप्टर 20 वर्स 9। यदि तुम यहोवा की ओर फिरोगे, पश्चाताप का मतलब उसकी ओर फिरना, रिटर्न, कि जो तुम्हारे भाइयों और लड़के वालों को बंधक बना के ले गए हैं, वे तुम पर दया करेंगे और वे इस देश से लौट सकेंगे, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर
यहोवा अनुग्रहकारी और दयालु है, और यदि तुम उसकी ओर फिरोगे तो वो अपना मुंह तुमसे, आपको प्रार्थना की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप परमेश्वर की ओर अपना मुख कीजिए, उसकी ओर मुड़िए। रिपेंटेंस को ही दिखा रही है, पुराने नियम में इसी तरीके से समझाते हैं। तो रिटर्न, इंग्लिश में लिखा होगा रिटर्न, रिटर्न का मतलब परमेश्वर के पास आओ, परमेश्वर की ओर अपनी नजर उठाओ, परमेश्वर पे भरोसा करो, उसकी बातों पे भरोसा करो, उसके वचन पे भरोसा करो, और उसके क्रोध पे पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर, उसके बलिदान पे भरोसा करो कि उसने तुम्हारे लिए छुटकारे का सब काम कर दिया है। अब तुमको करना क्या है? पश्चाताप करना है, अपनी सब गलतियों को मान लेना है, और फिर मालूम क्या करेगा, तुम्हारे लड़के वाले जो संसार में तमाम चीजों के गुलाम हो गए, नशे के गुलाम हो गए, तमाम गलत आदतों के गुलाम हो गए, कौन छुड़ा के लाएगा? परमेश्वर तुम्हारे बच्चों को छुड़ा के ले आएगा। क्या आप बिलीव करते हैं कि आपके बच्चों को छुड़ा के ला सकता है? आइए हम सब मिलकर आज अपने परमेश्वर के आगे पश्चाताप करें, अपने स्थान पर खड़े हो और कहें, प्रभु हम जो भी सोचते हैं गलत सोचते हैं, हमारे मुंह से निकले हुए शब्द गलत होते हैं, हमारा दृष्टिकोण गलत होता है, हमारे विचार गलत होते हैं, हमारी भावनाएं गलत होती हैं, हमारी इच्छाएं गलत होती हैं, हमारी धारणाएं गलत होती हैं, और हम अपनी गलती को कभी भी चेक नहीं कर पाते, हम इस चीज को कभी समझ नहीं पाते कि हमसे ये हुआ, ये हम गलत सोच रहे हैं, हम ऐसा दृष्टिकोण करते ये गलत है। अगर हम ऐसा सोचते हैं कि प्रार्थना करने से प्रभु हमें सब कुछ दे देगा, हम गलत है, प्रभु ये गलत है। हम इस चीज को अब समझ गए, प्रभु आपने हमारी आंखों को खोला है अपने वचन के द्वारा, प्रभु हम पर दया कीजिए। आज हम अपनी सब गलतियों को आपके सामने मान रहे हैं, और इस बात के लिए शोधित है कि हमने आज तक आपके सामने पश्चाताप नहीं किया, खुल के इस बात को ये नहीं माना कि हम पापी हैं और हम पाप करते हैं, हमारे अंदर स्वपाप का स्वभाव है और हमसे प्रतिक्षण पाप होता रहता है। आज हम आपके सामने खड़े होकर ये मान रहे हैं हम सब पापी हैं, और प्रभु आप तो पापी हो, पश्चाताप करने के लिए बुलाने आए हैं, तो हम सब पश्चाताप कर रहे हैं, पश्चाताप करिए और पश्चाताप कीजिए, उनकी बुलाहट है पश्चाताप करने के लिए, और जब आप पश्चाताप कर रहे होंगे आपको प्रभु चंगाई देना होगा, आप पश्चाताप कर रहे होंगे प्रभु आपकी समस्याओं का समाधान करना होगा, आप जब पश्चाताप कर रहे होंगे तो परमेश्वर आपकी ये सब चीजें जो खो रही है, जो आपसे क्यों चली गई है, उन्हें वापस ला रहा हूं। पश्चाताप कीजिए। थैंक यू। हाँ प्रभु, हम पश्चाताप कर रहे हैं क्योंकि आपने पश्चाताप के लिए हमें बुलाया है, और हम पश्चाताप कर रहे हैं क्योंकि आप पश्चाताप करने वाले को अपना पुत्र बनाते हैं, अपने परिवार में उनका जन्म कर देते हैं। हम प्रभु आपके परिवार में जन्म देना चाहते हैं क्योंकि हम पापी हैं, और आप हमको अपना पुत्र बनाकर अपने पुत्र के स्वरूप में प्रकट करना चाहते हैं, ताकि हमारा जीवन आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह की महिमा को इस पृथ्वी पर प्रकट करे। हम प्रभु आपके सामने उपस्थित हैं, दया कीजिए प्रभु, आप तो दया करने वाले हैं, आप दया का सागर हैं, आप प्रभु अपना हम सबसे इतना प्यार करते हैं, आपने अपना प्यार हमको प्रकट किया है अपने पुत्र को हमारे लिए, हमारे पापों के लिए बलिदान करके, उस दर्दनाक मौत को लेकर जो एक पापी की होती है, आपने हमारी मौत को अपने पुत्र को दिया, ताकि आप हमें अपना पुत्र बनाए, अपनी पुत्री बनाए, ताकि हमारा जीवन आपके पुत्र के स्वरूप में हो, हमारे जीवन से आपकी महिमा प्रकट हो, सारा और सारी महिमा आपको मिले। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मानते हैं, आमीन। थैंक यू जीसस।